Consultancy Academy. We are discussing permutation. This is the video lecture number 9. I hope you have already watched video lecture number 1 to 8 before watching part 9. And today we are going to discuss some restricted permutations, how to deal with such questions, and what are the criteria in which we will take up all those questions. So, aaj hum baat karte hain ki saath mein koi cheez nahi ho to kaise arrange karenge. Jaise एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना बनाना इन विच no two ends are together. No two ends are together. No two ends are together. ठीक है? How many words can be made from this word where no two ends are together? पिछले क्लास में जो हमने सीखा था उसमें ये सीखा था कि जो चीज साथ में रहनी है कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया था कि ये साथ में रहने चाहिए. अब हम सीख रहे हैं कि साथ में नहीं रहने चाहिए तो कैसे करें. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए साथ में रहने चाहिए तो क्या सिखाया था कि उनको एक बंडल समझ लो, एक ग्रुप समझ लो, एक आइटम समझ लो और फिर उनको बाकियों के साथ अरेंज कर लो और फिर बंडल को आपस में इंटरनल अरेंज कर लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. यहां पर कंडीशन ये है कि साथ नहीं होने चाहिए. तो अब हम दो ही बातें कर सकते हैं. यहां पे दो आइटम है, टू एंड्स. हम अगर टोटल आर्गुमेंट दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. एक मेथड ये हो सकता है कि हम सॉल्यूशन में करें कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम बनाना, लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना, राइट. कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6. आउट ऑफ दिस 6 दिस कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज. बट क्या करना चाहिए, और क्या है आपको, 3a है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए, 2n है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए. इसका मतलब हो गया 60. कैसे, ये हो गया 720. 6 into 5 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो 6 से ये कट जाएगा 6 और 5 फैक्टोरियल बाय 2 इज इक्वल टू 120. चलिए लिख देता हूं मैं, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 लीजिए, आपके लिए लिख दिया, और नीचे 3 into 2 into 2, ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60. 60 वर्ड्स बना सकते हैं और 60 वर्ड्स में टोटल हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे साथ रिस्ट्रिक्शन है. इसमें वो सारे वर्ड्स होंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो बन सकते हैं. हमारे साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि दो एन एक साथ नहीं आना चाहिए. इसका मतलब ये है कि दो ही है. अगर दो लोग साथ नहीं है तो दोनों लोग कहां होंगे, अलग अलग होंगे. मियां बीवी हैं दो लोग, अगर साथ नहीं रहते तो कहां रहते होंगे, अलग अलग रहते होंगे, ठीक है. तो दो आइटम में ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन तीन आइटम में ऐसा नहीं कर सकते. तीन लोग अगर एक साथ नहीं रह रहे तो क्या हम कह सकते हैं कि तीनों अलग अलग रह रहे हैं, नहीं हो सकता है. दो एक साथ रहते हो, एक अलग रहता हो, नहीं. लेकिन दो आइटम के साथ ये है कि अगर साथ नहीं है तो अलग अलग ही है ना. तो हम ये मान लें कि पहले वो अरेंजमेंट निकाल लेते हैं जिसमें दोनों एन एक साथ है, दोनों एन एक साथ. अब उस अरेंजमेंट को निकाल लेंगे तो टोटल में से वो निकल जाएगा जिसमें दोनों एन एक साथ है, तो क्या बच जाएगा, जिसमें दोनों एन एक साथ नहीं है. तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच टू एन्स आर टुगेदर. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच टू एन्स are together, two ends are together. तो
जब टुगेदर के लिए हमने क्या सीखा है बच्चों कि एन और एन जो साथ में रहते हैं उसको एक बंडल मान लेंगे। इसके अलावा बच गया बी ए ए ए चार और बच गए, फोर प्लस वन कितने हो गए फाइव आइटम, और इनके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे दैट कैन बी अरेंज। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट टू बी नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई व्हाट थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि तीन एक जैसे हैं और बंडल के अंदर कितने तरीके से अरेंज होगा टू फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल दैट इज वन वे। तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई सिक्स ट्वेंटी वे, फाइव फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाई सिक्स दैट इज 20 वे। अब आप बताएं 20 वर्ड्स ऐसे बन गया है जिसमें दोनों एन एक साथ हैं, टोटल 60 वर्ड्स बने बनाना से जिसमें 20 ऐसे हैं जिसमें दोनों एन एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बाकी 40 में दोनों एन एक साथ नहीं होंगे। सो नंबर ऑफ वेज इन विच टू एन्स आर नॉट टुगेदर is given by 60 minus 20 that is 40 words and that will be the answer। एक तो तरीका ये हुआ दो आइटम कभी भी हो जो एक साथ नहीं हो तो उसके अलग अलग होने के लिए ये तरीका हम अपना सकते हैं और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दोनों एन एक साथ नहीं है या दो लोग एक साथ नहीं है या दो आइटम एक साथ नहीं है या दो किताबें एक साथ नहीं है तो हम ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये दो से ज्यादा आइटम हो तब क्या करोगे तब ये तरीका लागू नहीं होगा। तो एक ऐसा तरीका बताते हैं जो सबके लिए लागू, अच्छा है ना, ऐसा तरीका जो सबके लिए लागू हो, दोनों एक साथ हो तब भी दो हो तब भी तीन हो तब भी चार हो तब भी पांच हो तब भी हर तरीके में वो लागू होगा, तो ऐसा तरीका सीखते हैं। ठीक है, उसको सीखते हैं, इसी को दूसरे मेथड से बताते हैं, ध्यान से देखो क्या हो सकता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि दोनों एन एक साथ नहीं होने चाहिए, दो एन है बी है ए है ए है ए है, ये साथ नहीं होने चाहिए तो रिस्ट्रिक्शन इसके साथ है तो इसको हम अरेंज कर लेंगे। अभी पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ये चार आइटम है, इसको ये चार जगहों पे अगर समझ लो ऐसे समझा जाए कि ये चार जो गोले हैं इन चार अक्षरों को सजाने के तरीके हैं, तो इन चार जगहों पर इस चार को सजाने के कितने तरीके होंगे, चार आइटम चार जगह सजाने के तरीके फोर फैक्टोरियल होता यदि चारों अलग अलग होता, लेकिन यहां चारों अलग अलग नहीं है, यहां तीन एक जैसे हैं, तो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, सो ऑल दिस बी ए ए कैन बी अरेंज अरेंज इन हाउ मेनी वेज फोर फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल दैट इज फोर वेज, फोर फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल दैट इज फोर वेज, फोर फैक्टोरियल इज 24, थ्री फैक्टोरियल इज 6, 24 बाई 6 इज इक्वल टू फोर वेज। अब एन साथ में नहीं होने चाहिए तो एन कहां होने चाहिए, एन इनके बीच में हो सकते हैं या आजू बाजू हो सकते हैं, एन इस पांच जगहों में कहीं पर भी हो सकता है, पांच जगहों में कहीं पर भी हो सकता है, सोचने वाली बात है, ये पांच जगहों में कहीं पर भी एन होगा तो उनके बीच में कम से कम इनमें से कोई एक जरूर होगा और इसलिए ऐसी स्थिति में ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन पांच जगहों में इनको सजाना है, अगर पांच जगह हो और दो लड़के हो बैठने के लिए तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, पहला आएगा तो पांच कुर्सियां जैसे समझ एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद हो, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। अगर पांच लड़कों को बैठना है, पांच लोग आ जाए और दो ही कुर्सी हो तो पहली कुर्सी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पांच तरीके से, दूसरी कुर्सी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं,
यानी दूसरी कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो बाकी चार में से कोई एक बैठेगा। या पांच कुर्सियां हो और दो लड़के हो, तो पहला लड़का आएगा तो कितने तरीके से बैठेगा, पांचों में से किसी एक पर बैठ जाएगा। दूसरा बच्चा आएगा तो किस पर बैठेगा, बाकी बचे हुए चार कुर्सी पे किसी एक पर बैठ जाएगा। तो ये तब होगा जब दोनों अलग अलग हो। यहां पर दो एन है, एक जैसे है, तो उसको बैठने के कितने तरीके होंगे, क्रॉस मार्क। टू एन कैन बी अरेंज एट क्रॉस मार्क प्लेस इन 5 × 4। अलग अलग होते तो, और अगर अलग अलग नहीं है तो टू फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 × 4 20/2 कितना 10 बेच। ठीक है, अब आपको अरेंज इनको भी करना है और उन्हीं के साथ इनको भी अरेंज करना है, दोनों को साथ में अरेंज करना है, तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वर्ड्स फाइनली इन विच टू एंड्स आर नॉट टुगेदर इज 10 × 4, दैट इज 40 वेज। ये भी एक तरीका है, ये तब लागू होगा जब दो हो तब भी, तीन हो तब भी, चार हो तब भी, कितने भी हो ये लागू होगा, इसलिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वाला तरीका भी बुरा नहीं है, जब दो आइटम हो तो कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा जब हो तो पहला वाला तरीका फेल हो जाएगा। कैसे, देखो अभी दिखाता हूं कैसे फेल हो, समझ आ गई है। ओके, हाउ मेनी वेज फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो, इन अ रो सच दैट नो एनी टू गर्ल्स में सीट टुगेदर, एनी टू गर्ल्स may sit together. No, any two girls may sit together. ये क्वेश्चन हो गए। अब यहां दो आइटम नहीं है, तीन के साथ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे कि पहले फोर बॉयज को अरेंज कर लेंगे। तो ये हमने सॉल्यूशन में लिखा कि बॉयज जो है, ये सॉल्यूशन है हमारा, बॉयज बी 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 और बी, इस चार जगहों पर बॉयज को अरेंज कर देंगे। चार जगह पर चार लोगों को बैठना है, कितने तरीके होंगे, फोर पर्सन कैन सीट इन ए रो इन हाउ मेनी वेज, फोर फैक्टोरियल, फोर पर्सन फोर सीट फोर फैक्टोरियल, चार आदमी चार जगह, कितने होंगे 4 फैक्टोरियल। सो 4 पर्सन कैन बी सीटेड एट दिस 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल। तो आप लिख देंगे 4 बॉयज कैन बी सीटेड इन 4 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 24 वेज, राइट 24। अब गर्ल्स को साथ नहीं बैठना है, बॉय चारों बैठ गए और गर्ल्स को साथ नहीं बैठने देना है। गर्ल्स साथ न बैठे इसकी जिम्मेदारी किस पे है, लड़कियां साथ न बैठे इसकी जिम्मेदारी किस पे है, इसकी जिम्मेदारी लड़कों पे है कि ये लड़कियां साथ न बैठे। तो क्या करेंगे, ये और इनके बीच में जगह बनती है, लड़कियों को बिठा सकते हैं या किनारे किनारे लड़कियों को बिठा सकते हैं। तो लड़कियां अगर कहीं पर भी पांच जगहों पर बैठेगी 1, 2, 3, 4, 5, तो उनके बीच में कम से कम एक लड़का जरूर बैठेगा। जैसे मान लो लड़की यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए और यहां बैठ जाए, तो इसके बीच में ये तीन लड़के होंगे, कम से कम एक लड़का तो जरूर होगा। कहीं पर भी बैठेगी उनके बीच में कम से कम एक लड़का जरूर होगा। तो पांच जगह लड़कियों के लिए हो गया, इन पांच जगहों में लड़कियां बैठने वाली कितनी है, तीन। तो 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड, कैन बी सीटेड, पांच कुर्सी है, तीन लड़कियां हैं, पहली कैसे कितने तरीके से बैठेगी, पांच पांच कुर्सी
कुर्सियां है, किसी पर भी जिसका उसका दिल आ जाएगा उस पर बैठ जाएगी, है ना। पांच कुर्सियां है, किसी पर भी बैठ जाएगी। अब दूसरी लड़की आएगी तो कितने तरीके से बैठेगी, चार। चार कुर्सियां है, किसी पर भी बैठ जाएगी। दूसरी बैठेगी चार तरीके से, तीसरी बैठेगी तीन तरीके से। बैठना तीनों को ही है, पहली को भी, दूसरी को भी और तीसरी को भी। क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कितने तरीके से, 60 वेज। लड़कियां 60 तरीके से बैठ सकती हैं, लड़के 24 तरीके से बैठ सकते हैं 24 वेज से। बैठना है लड़कों को भी एंड लड़कियों को भी, एंड आ गया बीच में। क्या करना चाहिए, गुना करना चाहिए। एंड आ गया बीच में तो आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स कैन बी सीटेड अंडर द गिवन रिस्ट्रिक्शन इज 24 × 60 इज इक्वल टू 1440 वेज। 1440 तरीके से बैठ सकती हैं, ठीक है। ये हुआ, तीन है दो। अगर आप ऐसा करते तो ये आंसर नहीं आता, क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ वेज बिना रिस्ट्रिक्शन के सात लोग कितने तरीके से बैठेंगे, 7 factorial। क्या हो जाएगा आंसर वैसी स्थिति में, क्या होता है, देखो कैसे गलतियां होगी, होता है सात लोग 4 + 3 = 7, 7 factorial टोटल आर्गुमेंट होता 5040, 7 factorial नहीं होता। और आप कहते हैं कि तीनों जो एक साथ अगर उनको बंडल मान लेते हैं तो चार लड़के और लड़कियों का एक बंडल, पांच आइटम को अरेंज करने के इस तरीके, बंडल मतलब समूह है, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट इट इज कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए लड़कियां बंडल नहीं होती, लड़कियां समूह में होती हैं, पर समझने के लिए हम उनको एक वस्तु की तरह अभी फिलहाल समझने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। सो लड़कियों का एक समूह, एक ग्रुप और झुंड, लड़कियों का झुंड होता है। तो 3 + 4 + 1 = 5, 5 को अरेंज करने के तरीके होते हैं 5 factorial, और 3 लड़कियां आपस में बनाते हैं 3 factorial, यानी 120 × 6 यानी 720, ये हो जाता है। अब 5040 में से 720 माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा 4320, जबकि आंसर है 1440, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाता। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम तब कर सकते हैं जब दो आइटम हो, जैसा कि पीछे हमने प्रूफ किया है उसमें दोनों ही तरीके से एक ही आंसर आ रहा है। लेकिन जब भी दो से ज्यादा आइटम हो तो आपको ये तरीका अप्लाई करना चाहिए। क्लियर है, समझ आ रही बात? ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज a committee of 5 persons can be seated in a row in which vice president and secretary must be seated either side of president, right? President, either side of president. ऐसी क्वेश्चन को कैसे करें? अब जरा देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। एक रो में ही बैठना एक रो में है, और ये है प्रेसिडेंट का पोजीशन, तो वीपी यहां पे बैठ जाएंगे और सेक्रेटरी यहां पे, तो तीन लोगों का एक समूह हो गया। ये तीन लोगों का समूह एक माना जाएगा, ये तीन लोगों का समूह क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। और इन तीन लोगों के अलावा और कौन है, दो लोग और हैं, प्लस टू मोर पीपल, क्योंकि टोटल पांच लोग हैं, दो और एक समूह कितने हो गए, तीन। इस टीम को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, नंबर ऑफ वेज
in which they can be seated. They can be seated. ये होगा 3 factorial. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आपस में जगह की अदला बदली कर सकते हैं. ये नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट के राइट साइड में सेक्रेटरी बैठेगा कि लेफ्ट साइड में बैठेगा या बैठेगी, ये नहीं मेंशन है. तो वो लेफ्ट भी बैठ सकती है और राइट भी बैठ सकती है. तो इस तरीके से ये लोग आपस में, प्रेसिडेंट तो हमेशा बीच में रहेगा, ये लोग आपस में दो तरीके से जगह बदल सकते हैं. सो टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन टू वे. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी, अरेंजमेंट विल बी 3 factorial into 2, यानी 6 into 2 12. ये होगा आंसर. 12 तरीके से बैठ सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जब रिस्ट्रिक्शन हो तो आप 3, 4, 5 के लिए कर सकते हैं. रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं. आप देखते हैं कि कैसे ड्रिल करेंगे. क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज 4 boys and 4 girls कैन बी सीटेड इन ए रो. How many ways 4 boys and 4 girls can be seated in a row? लड़के भी 4 factorial तरीके से बैठ सकते हैं,
लड़कियां भी चार फट को दिल तरीके से बैठ सकती है, लड़कों को भी बैठना है और लड़कियों को भी बैठना है, तो यहां क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इनटू, सो 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सीट इन अ रो, 4 बॉयज, देयरफॉर सिंस देयरफॉर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड together in 4 factorial into 4 factorial, that is 24 into 24, which is 576 feet, they can be seated. Similarly, the second case can be, row can start with girls, boys, and girls, boys. The similar situation will be there, but same argument, 4 girls here in this case all can be also seated in 4 factorial ways. Again here similarly, 4 boys and 4 girls can be seated in how many ways? In 576 ways. इस तरीके में भी उतना ही होगा, 4 factorial to 4 factorial, या तो रो बॉय से शुरू होगा या रोज गर्ल से शुरू होगा, दो अरेंजमेंट हो रही है, पहले तरीका हो सकता है या दूसरा तरीका हो सकता है, या तो पहले तरीके से बिठा सकते हो या दूसरे तरीके से बिठा सकते हो, आइदर और ऑप्शन आ गया, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे, आइदर और में क्या करते हैं प्लस, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 576 plus 576 is equal to 1152 weight. We can do that. 1100 pound. 1152. 1152 weight. This can be done. Either row can start with boys or row can start with girls. ये तरीका हो. लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई. आपके मन में एक सवाल जरूर रह गया होगा कि पहले तरीके से क्यों नहीं किया, पहले तरीके से हमने ऐसा क्यों ऐसा किया, पहले तरीके से क्या होता कि ये बॉयज के लिए 4 जगह बनाते और गर्ल्स के लिए 5 जगह बनाते, ये 5 जगह अगर गर्ल्स के लिए क्रिएट करते 1 2 3 4 5 तो क्या गलत हो जाता, क्योंकि लड़के अलग अलग बैठते, अगर आप सोच करो कि लड़कियों को यहां बिठा देते 1 2 3 और 4, तो ये दोनों लड़के साथ हो जाते कि नहीं हो जाते, हो जाते ना, ये दोनों लड़के साथ हो जाते तो ये गलत हो जाता ना, क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाता, नहीं हो जाता ना, इसलिए हम इस तरीके का अरेंजमेंट पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, यहां पे हमें अल्टरनेट ही बिठाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे लड़कियों का अरेंजमेंट अगर हम सोच लेते कि लड़कियों को पहले अरेंज कर देते तो लड़के के लिए 5 जगह क्रिएट करते तो 2 लड़कियां साथ हो जाती, इसलिए यहां पर अल्टरनेट अरेंज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन इस तरह का होगा तो आपको इस तरह से डील करनी पड़ेगी, धीरे-धीरे क्वेश्चंस करोगे तो अलग-अलग थॉट आपके डेवलप होंगे, अलग-अलग आपके पास आइडियाज डेवलप होंगे और फिर आपको क्वेश्चंस के नेचर समझने में सहूलियत होगी, इजी होगा और आप डेवलप कर पाएंगे धीरे-धीरे किस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। पहले ही मैंने कहा था ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, 99.99% लोग इस सब्जेक्ट पे क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझे और हम नहीं चाहते कि आप उनमें से हो कि आपको क्लियर ना हो, आपको हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। अभी हम हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, हर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डील कर रहे हैं ताकि आपके कांसेप्ट डेवलप हो, फिर बाद में और क्वेश्चंस इनके डिस्कस करूंगा जिसमें आपका और ज्यादा ही कंसोलिडेट होगा और एक काइंड ऑफ रिवीजन भी होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।